तो हे गाइस, मैं बना रहा था नियॉन मैन का पोर्ट्रेट और मैं चाहता था वो पोर्ट्रेट कलर यूज करके पोस्टर कलर से बनाऊं, लेकिन आउटलाइन एकदम कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने जब देखा कि ये पेपर ब्रिस्टल स्केच पेपर है, जिस पेपर में मैं पोस्टर कलर यूज़ करता हूँ वो पेपर नहीं था, तो तब क्या ही करें अब। तो फिर भी मैंने कलर यूज़ कर दिया ब्रिस्टल ड्राइंग स्केच पेपर में, और रिजल्ट दिखने को आपको मिलेगा। इतना अच्छा नहीं मिला क्योंकि जो पेपर जिसके लिए बना है उसमें ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो बस इस वीडियो को थोड़ी यही मैं बताना चाहता मैं। तो बस और क्या है कि जब मैं वाटर यूज़ कर रहा था तो इतना अच्छा वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, बहुत वीक हो जा रहा था पेपर, कि वो स्केच पेपर है इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो बस फिर भी मैंने कर दिया ज़बरदस्ती पोर्ट्रेट। आप देख सकते हो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला देखने को, फिर भी इतना भी बुरा भी नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है। तो बस इतना ही बोला। और गाइस, आपके पास एक पेंसिल और कलर और कोई सा भी पेपर है तो आप वो प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। और गाइस, इस चैनल पे पेंटिंग ड्राइंग वीडियो अपलोड होता रहेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो।